हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019-20 कि आखिरकार आप लोगों का जो रिजल्ट आया है उसमें आप लोग आरटीआई लगाना चाहते हैं तो आप कैसे आरटीआई फिल कर सकते हैं, कैसे आप आरटीआई लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा आपके रिजल्ट में बहुत ज्यादा धांधली का आरोप लग रहा है। कैंडिडेट बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, रिजल्ट को फिर से आना चाहिए एंड इसके साथ साथ या फिर कैंसिल होना चाहिए। उनको उनके मार्क्स पता नहीं चल पा रहा है, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार उनका कट ऑफ क्या गया है। तो दोस्तों, ऐसे में हर किसी के मन में एक ख्वाहिश है कि आखिरकार उनको उनके मार्क्स तो पता चल ही जाए कि कितने मिले हैं उनको मार्क्स, और हो सके तो रीजन भी पता चल जाए किस रीजन बस उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और दोस्तों, इसके साथ साथ यदि बिहार पुलिस रिजल्ट कैंसिल करती है तो उनके पास कुछ एविडेंस होना चाहिए बताने के लिए कि मेरा इतने मार्क्स पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों, ऐसा एक ही चीज में पॉसिबल हो सकता है जिसका नाम है क्या, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 या सूचना का अधिकार 2005। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को पहले ही बता दें, आपकी जो आरटीआई है दो माध्यम से होती है, एक तो ऑनलाइन एक होती है ऑफलाइन। अब दोस्तों, ऑनलाइन आप लोगों की आरटीआई होती है, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन करने के लिए आपके पास होना चाहिए क्या, एक्सिस बैंक में अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है जिसमें अकाउंट बहुत अमीर लोगों का होता है। मैं नहीं बोलूंगा कि गरीबों का नहीं होता, लेकिन दोस्तों 1% ही होंगे जिनका एक्सिस बैंक में अकाउंट होता है। अब इसका रीजन ये है दोस्तों, चूंकि उसका मिनिमम डिपॉजिट 6,000-10,000, कहने का मतलब 6,000 से वहां पर खाता खुलता है, 10,000 से वहां पर खाता खुलता है, और वो मिनिमम रिक्वायर्ड मतलब कि उनके खाते में 5,000 बना ही रहना चाहिए, नहीं तो वहां पर आपका चार्ज लगने लगता है। क्योंकि दोस्तों, मैंने आप लोगों की आरटीआई के कारण खुलवाया है तो मेरे को हर एक चीज का वहां पर पता चला कल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें, यदि आप लोग आरटीआई लगाएंगे तो आपके पास होना चाहिए क्या, एक्सिस बैंक का वीजा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड, तभी जाके आप वहां पर अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अब यदि आपके पास है तो आप ऑनलाइन लगा सकते हैं, और यदि आपके पास नहीं है तो आप पोर्टल वाले के यहाँ पे जाएंगे तो दोस्तों वो भी अपने चार्जेस वगैरह लेगा, आपकी आरटीआई फिलअप करेगा। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी आरटीआई लगाऊं, जो कि मैं अभी तक बहुत से कैंडिडेट की लगा चुका हूं, कल बहुत सौ के रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताए हैं और आज भी मैं रजिस्ट्रेशन नंबर बताने वाला हूं शाम तक। ओके दोस्तों, तो आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर एक लिंक होगी, वहां पर अपना पेमेंट करिए और आपको एक विंडो शो होगी। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी फिलअप कर दें, आपका आरटीआई लगा दिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बता दिया जाएगा। अब दोस्तों, आपको ये सब कैसे करना है वही मैं आपको बताने वाला हूं। चूंकि यह वीडियो आपकी सिर्फ और सिर्फ स्पेशल आरटीआई के ऊपर है, आप लोगों की बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही, सर मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, कोई बोल रहा है सर कैसे पेमेंट करते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, तो मैंने कहा एक वीडियो इसके ऊपर भी बनानी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में यदि टाइम रहा कि आप ऑफलाइन भी आरटीआई लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा ऑनलाइन लगाना ज्यादा बेटर रहता है ऑफलाइन की अपेक्षा। ऑनलाइन में रिस्पांस जल्दी भी मिलता है और डायरेक्टली उन्हीं के पास पहुंच जाती है इन्फॉर्मेशन। आप ऑफलाइन लगाएंगे इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 महीने लग रहे हैं, 2 महीने लग रहे हैं, और कभी कभी हो सकता है लौट के ही ना आए। जी हाँ दोस्तों, ऑफलाइन में आपका बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हालांकि यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करने में असमर्थ हैं तो आप ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, मैं उसका भी बताऊंगा आपको, सिर्फ आप थोड़ा वेट करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि आप यदि यहां से लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा आरटीआई के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं से क्रिएट होता है कैंडिडेट को। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मतलब कि आपको नीचे जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, समझते हो ना, यहाँ पर जाइए। यहाँ पर जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगी, यहाँ पे लिखा है क्या, बिहार पुलिस आरटीआई रजिस्ट्रेशन लिंक। आपको इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कैसा इंटरफेस दिखाई देगा, चलिए हम वो बताते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे आप उस पर एंटर करेंगे तो आपके समक्ष ऐसा इंटरफेस आएगा, क्या है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आरटीआई, यहाँ का रजिस्ट्रेशन बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019-20 नंबर देखने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें, आपको सबसे पहले यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन शो होगा, आपको क्या करना है, बॉय नाउ पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर विंडो आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जो विंडो आएगी, सबसे पहले आपका नाम भरने को पूछेगा, आप नाम कुछ भी डालें, आपका जो नाम है वो डाल दीजिए सही।
मैं यहाँ पर कुछ भी डाल के बता रहा हूँ आपको, आपको यहाँ पर सही सही नाम डालना है, वरना आपसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगा यदि आपके आरटीआई में कोई प्रॉब्लम जा रही है तो। और आपको यहाँ पर वही ईमेल डालना है जो कि आपका चलता है, चालू है, जिसपे कि आपका आरटीआई के रिप्लाई आ सके। ओके, अच्छे से ध्यान से भरना है हर एक चीज को। और आपको यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना है जो कि अभी चल रहा हो। ओके, नहीं तो दोस्तों क्या होगा, यदि आप यहाँ पर गलत कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे, बाई चांस आप लोग की आरटीआई रिजेक्ट हो रही है, मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन मैच नहीं हो रही, तो आपसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मोबाइल नंबर सही डालना है जो कि अभी आपका चालू है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं करता हूँ, और बता दूं इतना सभी के लिए एक जैसा करना है। अब इसके बाद अलग अलग प्रोसेस होगी, अच्छे से ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट की क्वेरी आ रही थी मेरे पास कल। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल लिया है, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल लिया है जो कि अभी चालू है, एंड इसके साथ साथ मैंने मोबाइल नंबर डाल लिया है जो कि चालू है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। चलिए मैं करता हूँ। अब दोस्तों मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे लिए पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ गए। तो डियर फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप सिर्फ एक माध्यम से पेमेंट नहीं कर सकते, आप अलग अलग माध्यम से पेमेंट करना चाहें हर एक माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या QR कोड, आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। आप पेटीएम के थ्रू, आप फोन पे के थ्रू, या फिर आप क्या गूगल पे के थ्रू, आप तीनों माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास फोन पे नहीं है, गूगल पे नहीं है, या फिर आपके पास क्या नहीं है पेटीएम, तो आप अलग ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे क्या, आपको यहाँ पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, आप यूपीआई आईडी के माध्यम से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है मोर ऑप्शन पे। जैसे आप मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष भी यहाँ पर बहुत से विंडो, जिसमें दोस्तों आप चाहें तो आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम को यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, या फिर पे लेटर से। चलिए मैं आपको बताता हूँ, डेबिट कार्ड चूंकि ATM हर किसी के पास होता है, यहाँ पर 90% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास ATM होता है, तो वो इसको चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके समक्ष यहाँ पर इंटरफेस आएगा। आपको सबसे पहले करना होगा क्या, आपके पेटीएम का नंबर यहाँ पर ऐड करना होगा, जो कुछ भी हो, XYZ जितने नंबर का हो। इसके बाद आपको एक्सपायर मंथ मतलब कि आपका जो समाप्ति तिथि है उसका, और यहाँ पर आपको ईयर मतलब कि उसका कौन से वर्ष में यहाँ पर समाप्त हो रहा है, 21, 22, 25, और यहाँ पर 3 नंबर का CVV कोड होता है आपको वो करना है। और आपको क्या करना है, पे नाउ पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष एक डाउनलोड के लिए ऑप्शन आएगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के लिए, आपका हर एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिंक होगा, आप उस पर सबमिट कर देंगे, आपका ITI लगा दिया जाएगा। यहाँ पर विशेष ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कई यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपके समक्ष डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड आप उस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष ऐसा लिखा आएगा डाउनलोड, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको थैंक यू दिखेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष वो पेज आ जाएगा। आपको सबसे पहले उसमें अपनी ईमेल आईडी मांग रहा है तो ईमेल आईडी दीजिएगा, और दोस्तों आप अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी फिल कर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ कैसा आएगा। लेकिन इससे पहले यदि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जा रही है डाउनलोड करने के बाद आपको लिंक नहीं मिल रही, तो आप अपने मोबाइल के डाउनलोड वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, तो चलिए दोस्तों मेरे पास तो वो लिंक आ गई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो है लिंक, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, आप वहां पर जाके अपनी सबमिट कर सकते हैं पूरी पूरी जानकारी ITI से संबंधित। अब दोस्तों वो पहले आपको बता दें, यहाँ पर जैसा कि आप पढ़ सकते हैं ITI का पैसा वापस नहीं होगा किसी भी हालत में। आप चाहें कि आपकी ITI रिजेक्ट हो गई है किसी कारणवश तो उसका पैसा वापस हो जाए, तो वो नहीं होगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर बोला गया है कि ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक कर सभी जानकारी सही सही भरें। यदि यही कोई
यदि कोई त्रुटि हुई हो तो इसकी जवाबदारी नहीं लेते, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन वहां से रिजेक्ट हो जाती है, तो इसकी कोई जवाबदारी नहीं है बस, और आपसे यहाँ पर कुछ नहीं बोला। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे हैंड का साइन आ रहा है ना। चलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने क्लिक कर दिया है, आप देखिए ओपन हो रहा है लिंक। अब दोस्तों ऐसा ऐसा ओपन होगा तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, साइन इन कर लेना है अपनी ईमेल आईडी से, मतलब कि आपको यहाँ पर जो कुछ मांगे आपको वो भर देना है। साइन इन के लिए मांगेगा तो आपको यहाँ पर साइन इन करना है। ओके दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैं आ गया हूँ वहां पर जहां पर आपको करना है आपकी इन्फॉर्मेशन फिल। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपका यहाँ पर जो दिखा रहा था साइन इन के लिए, वहां पे अपनी ईमेल आईडी डाली और मेरे को यहाँ पर आने के लिए परमिशन मिल गई। अब दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालूंगा, ए नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। सही सही ईमेल आईडी डालिए, नहीं तो जी आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके बिल्कुल अच्छे से भर लीजिए, यहाँ पर आपके ऑप्शंस शो होते रहेंगे, मतलब कि आप गलत ना भरें। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, जितना टाइम उतना ले सकते हैं, पूरा दिन भी ले सकते हैं भरने में, लेकिन आपको यहाँ पर सही सही भरना है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। और भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो मेरे समक्ष आप देखिए आपका यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांगने लगा। क्या क्या मांग रहा है, सबसे पहले मांग रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डालिएगा आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो, XYZ जो कुछ भी हो आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ओके बट सही सही डालना है, गलत नहीं डालना, वरना आपका वहां पर प्रॉब्लम जाएगा उनको चेक करने में डाटा। ओके यहाँ पर इसके बाद नंबर आएगा क्या, आपका जो इंटर रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर है आपको वो डालना है। सही सही हर एक चीज बड़ी बारीकी से आपको यहाँ पर नाम डालना है बड़ी बारीकी से। ओके इसके बाद आपको डालना है क्या, आपके राज्य का नाम। जी हाँ दोस्तों, आपके राज्य का नाम यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपको डालना है क्या, आपके शहरी क्षेत्र का नाम डालना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, यदि आप हिंदी में टाइप कर रहे हो मैटर तो पूरा हिंदी में फिल करिए, यदि आप इंग्लिश में डाल रहे हो तो आपको इंग्लिश इंग्लिश में ही डालना है। ऐसा नहीं कि कुछ हिंदी कुछ आपका इंग्लिश, तो ऐसे में प्रॉब्लम जाती है यहाँ पे, है ना। और फिर इसके बाद आपको डालना है अपने प्रखंड का नाम, प्रखंड का नाम डालने के बाद आपको डालना है शहर और गाँव का नाम। इसके बाद आपको भरना है क्या, फोन नंबर आपका जो कुछ फोन नंबर है। इसके बाद आपको भरना है क्या, आपका लिंग मेल है कि फीमेल है। आपको मकान संख्या गली संख्या डालनी है, आपको जिला डालना है, और दोस्तों आपको यहाँ पर क्या डालना है, शहरी क्षेत्र डालना है, और यहाँ पर आपका क्या डालना है, पिन कोड डालना है। दोस्तों इन चीजों पर विशेष ध्यान देना, शहरी क्षेत्र हुआ, आपका जो प्रखंड हुआ, और आपका क्या हुआ, आपका यहाँ पर इन चीजों में प्रॉब्लम जाती है, शहर और गाँव जी तीनों एक जैसे मैच होने लगते हैं। तो इन चीजों पर ज्यादा अच्छे से हर एक चीज देखने के बाद डालना आप लोग, है ना, एक जैसे डाल देते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता आरटीआई। ओके तो इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर विशेष ध्यान देना। तो फ्रेंड्स आप वीडियो हो रही है बहुत ज्यादा बड़ी, आप चाहते हैं कि ऑफलाइन आरटीआई कैसे करें, सर उस पर वीडियो प्रोवाइड कराइए, तो जाइए इस वीडियो के कॉर्नर में, आपको वहां पर लिंक मिल रही होगी, वहां पर मैंने बताया है कि आप चाहें तो आप ऑफलाइन भी आरटीआई अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऑफलाइन से ज्यादा बेटर ऑनलाइन रहता है, लेकिन फिर भी आप ऑफलाइन कर सकते हैं, और इसके लिए फॉर्म मैंने आपको प्रोवाइड करा है, आप उस फॉर्म को भी ले सकते हैं। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे, अब लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।